नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर अपने जो 2100 प्रश्नों का जो टारगेट है, टारगेट 2100, ये जो बैच शुरू किया था, इस बैच में मुझे विश्वास है कि प्रश्न जो है 2100 से आपको ज्यादा मिलेंगे, 2100 से खूब ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। और पूरा जो रिविजन है वो राजस्थान जीके का आपके करवाने का प्रयास करूंगा, और राजस्थान जीके का जो रिवीजन है वो आपके करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, जीजीडी है तो विश्वास है, और जीजीडी है तो मुमकिन भी है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। और एक खुशखबरी आपके लिए और मेरे लिए भी कि आज जो अभी मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस क्लास रिकॉर्ड करने से पहले सीईटी का जो पहला पेपर है वो हो चुका है। उस पहले पेपर में अपनी जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, कल भी जो मैंने बात की थी वो बाद में वापस आपको दोहराऊंगा कि कल के पेपर में और आज के पेपर में भी सेम अपने जो जितने भी दोहरान किए हैं, जितने अभ्यास किए हैं, आपने अगर वो क्लासें ढंग से देखी होगी, आराम से देखी होगी, व्यवस्थित देखी होगी, तो आपके कला संस्कृति का या जो भी इन 22 क्लासों में और साथ ही साथ 22 क्लासों के साथ साथ जो दो बड़ी मैराथन क्लास है, एक जीजीडी पर, एक ओपीडी पर, और दो मिनी मैराथन क्लासें जो रविवार को आपके लिए प्रसारित हुई, उन क्लासों को अगर आपने ढंग से व्यवस्थित देखा होगा तो आपके कला संस्कृति का कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हुआ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने उस प्रश्न पत्र को देखा है, तो उस प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं दिखा मुझे जो रिवीजन क्लासों में, जो इन टॉपिक से संबंधित और रिवीजन क्लासों में नहीं आया हो। और टॉपिक क्या, अब अपने रिवीजन लगभग कला संस्कृति का जो पोर्शन है उसका रिवीजन जो है वो लगभग पूरा होने को आया है, क्योंकि ये आभूषण वाला टॉपिक है। उसके बाद एक आध टॉपिक होगा तो वो देख लेंगे, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाएंगे, देखेंगे। भूगोल की तरफ गए तो भूगोल की तरफ, या राजनीति राजस्थान की उसकी तरफ गए तो उसकी तरफ जाएंगे। आभूषण के लिए मैं आपको ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं स्पेशल आपको एक चीज बता देता हूँ। आभूषण जो है ये टॉपिक ऐसा है जो आपके न रटने से याद होगा, रटोगे तो मिक्स होगा, पढ़ोगे तो भी मिक्सर वाली बात है, समस्या है। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो है तोड़ वो निकलेगा। क्योंकि आप पढ़ोगे, हाँ बेसिक से आप याद हो जाते हैं, मैं भी ये मानता हूं कि बेसिक जो सिंपल सिंपल जो कान नाक गले के आभूषण जो सिंपल अपने नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आते हैं वो तो याद हो जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, जिन जैसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, उनको याद करने के लिए आप इनके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। तो इसी ट्रेंड को मैं लेके आया हूं आपके लिए, ये पहला भाग है, दूसरा भाग भी अपन कल लेके आएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले अपन पहला भाग शुरू करते हैं, चलो ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके लिए ये रहा, इस आभूषण वाला पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड भी लेकर आएंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपके जो है अभ्यास करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले पहले ही क्वेश्चन की तरफ। अपने महिलाओं द्वारा या महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? महिला आभूषण नेवरी, देखो इंपॉर्टेंट, महिला आभूषण नेवरी जो है वो किस अंग पर पहना जाता है, किस भाग का जो है आभूषण है? क्या वो हाथ का आभूषण है, क्या पांव का आभूषण है, उंगली का आभूषण है, या फिर गर्दन का आभूषण है? नेवरी जो है, नेवरी आभूषण किस भाग से संबंधित है या किस अंग में पहना जाता है? क्या वो हाथ में पहना जाता है, पाम में पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है, या फिर गर्दन में? तो नेवरी से आप याद रखें, नेवरी जो है वो कहां पहना जाता है, पाम में पहना जाता है। कहां पहना जाता है, पाम में। आंवला जो पाम में पहनते हैं उसके साथ ये पहनी जाती है, एक प्रकार की पायल का प्रकार है, एक प्रकार की क्या होती है, पायल होती है। नेवरी जो है वो एक प्रकार की क्या है, पायल है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं अलग से, एक कमेंट आया था कि आप सभी को मार्क कर देते हो, तो ये आंसर जो है इसका बी है, यहां पे भी लिख देता हूं आपके, ठीक है। ये किससे संबंधित है, पांव से, ठीक है। चलो क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? इस तरह का ये एक पैटर्न और है, एक तो यहां तो पूछेंगे आपको सीधा सीधा कि ये आभूषण किस अंग से संबंधित है, या तो इस तरह से इस पैटर्न से सवाल पूछा जाएगा, या दूसरा पैटर्न ये बनेगा, दूसरा पैटर्न ये बनेगा, और तीसरा पैटर्न ये बनता है
कि निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है, निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है, इस तीन तरह से पैटर्न से सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये दूसरा जो पैटर्न है उसको देखते हैं अपन कि मानव अंग से कौन सा संबंधित। सुरलिया कान में पहनी जाती है क्या? तिमणिया गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। रमजोल कलाई में पहनी जाती है क्या? और तगड़ी कमर में पहनी जाती क्या? तगड़ी कमर में पहनी जाती है क्या? तो देखिए तगड़ी जो है वो कमर में पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। सुरलिया ये कान का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। तो रमजोल जो है ये ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। रमजोल ऑप्शन क्या है? गलत। रमजोल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मिनी मैराथन और मैराथन क्लासेस जो है उसमें भी मैंने, मुझे जहां तक याद है और 100% है कि मैंने शायद एक क्लास दो क्लासों में रमजोल वाला क्वेश्चन कंटिन्यू दिया था। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर बार पूछा जाता है, रमजोल वाला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ये इंपोर्टेंट क्यों बनता है उसके पीछे मैं एक आपको कारण बता देता हूं। ये इंपोर्टेंट इसलिए बनता है कि सामाजिक कार्यक्रमों में तो ये पहना जाता ही जाता है, उसके साथ साथ गवरी नृत्य जब होता है तो गवरी नृत्य में इस आभूषण को पहना जाता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न के बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो रमजोल जो है वो रमजोल जो है वो सिर का आभूषण नहीं हो, सॉरी कलाई का आभूषण नहीं होकर किसका आभूषण है? पैर का आभूषण है। रमजोल एक प्रकार की पायल है, तो रमजोल कैसा आभूषण है? पैर का आभूषण। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, चलो ये वापस भी आ गया, सेपरेट क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया। रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है? अब इसमें मुझे लगता है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है अपने। तो रमजोल जो है वो किससे संबंधित है? पैर से संबंधित है। किससे संबंधित है? पैर से। मैंने दोनों तरफ का क्वेश्चन ये शामिल इसीलिए किया है कि आप इसको याद रखें, रमजोल को आप इस रमजोल को याद रखें, इसलिए दोनों तरफ मिलान वाले में भी पूछ लिया और इसमें भी पूछा गया, आपको सुमेलित वाले में भी पूछा और इसमें भी पूछा है। अगला क्वेश्चन, कंदोरा पहना जाता है, कंदोरा पहना जाता है, इंपोर्टेंट, कंदोरा पहना जाता है क्या? गले में, कमर में, हाथ में या नाक में कंदोरा पहना जाता है? ये बेसिक सा सवाल है और इस सवाल का आई थिंक आंसर आप लोगों के सबके आ गया होगा। ये कंदोरा जो है वो कहां का आभूषण है? कमर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? कमर का आभूषण। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कंदोरा कमर का आभूषण है, कंदोरा जो है वो कमर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, दामना, देखो एक शब्द ये भी मिल सकता है, दामना, दामना या दामना, दामना तो आ गया, दामना हो गया, और एक आपको मिल सकता है दामणी, ठीक है, दामना दामणी। एक दामणी अलग होती है, ओढ़नी होती है, वो अलग होता है, वो एक अलग होता है दामणी। तो ये दामना दामणी या ये एक गहना है जो पहना जाता है, क्या गले में पहना जाता है? गले में पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है या फिर नाक में पहना जाता है? दामना जो है वो छोटे बच्चों के दो उंगलियों में बना हुआ जो आभूषण होता है चांदी का, वो उसे दामना कहते हैं। डबल दोनों साथ में होता है तो उंगलियों में पहना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दामना कहते हैं। क्या कहते हैं? दामना, छोटे बच्चों में विशेष होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपने? उंगली में। दामना कहां पहना जाता है? उंगली में। दामना कहां पहना जाता है? तो उंगली में। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नौगरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? क्या वो गले में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है या पाव में पहना जाता है? नौगरी एक बेसिक सा सवाल है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आई थिंक सेकंड ग्रेड में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौगरी जो है, नौगरी और मेमंद ये दो क्वेश्चन तो खूब ज्यादा पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड, शायद जहां तक मुझे ध्यान है 2018 और 2012 या 13 इन दो परीक्षाओं में ये पूछा गया है मेमंद वाला सवाल, और ये नौगरी वाला सवाल भी इंपोर्टेंट है। तो नौगरी जो है वो किसका आभूषण है? नौगरी हाथ का आभूषण है। नौगरी किसका आभूषण है? हाथ का, हाथ में पहना जाता है। नौगरी जो है किसमें पहना जाता है? हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। क्लियर? चलो ये इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। ये जो 50-60 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, आभूषण से संबंधित 50-60 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, उन क्वेश्चन में
प्रधान साहब क्वेश्चन इसलिए करवाना है कि मुझे जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे मुझे ध्यान है कि इनको आप रट के याद नहीं कर सकते, आप इनके ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके वहां परीक्षा में राइट होने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए क्वेश्चन पर आप थोड़ा फोकस करके ध्यान रखें तो आपके क्लियर जो है वो जाएगा ये टॉपिक, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, पलाण मोहरा गोरबंद परवनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है, ठीक है। अब देखो ये तो शायद आई थिंक आंसर भी आ जाएगा, गोरबंद आते ही सब लोगों के आंसर आ जाते हैं, ये ऊंट से संबंधित है। पहले तो पलाण क्या होता है, पलाण या पिलाण दोनों एक ही चीज है, जो बैठने का जो होता है ऊंट के ऊपर, जिसके ऊपर बैठते हैं, ऊंट पर बैठने के लिए जो व्यवस्थित जो बनाया जाता है, जैसे ऊंट के सॉरी अपने हाथी के ऊपर होदा होता है, उसी तरह से एक जो बैठने का जो बनाया जाता है उसे पिलाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलाण कहते हैं। फिर मोहरा क्या होता है, हाथी के जो ऊपर सिर के ऊपर जो है वो कपड़ा बांधा जाता है, मोहरा सिर के ऊपर जो कपड़ा बांधा जाता है उसे मोहरा कहा जाता है, मोहरा सिर का आभूषण है एक प्रकार से अपने ऊंट के, ठीक है, ऊंट के सिर के ऊपर के, ठीक है। गोरबंद ये जो पिलाण रखते हैं, पिलाण रखने से पहले एक कपड़ा रखा जाता है और उस कपड़े के साथ ही, उस कपड़े के ऊपर और कपड़े के साथ ही एक जालीदार जो जाली है वो रखी जाती है, उस जाली पर नक्काशी की हुई होती, कशीदाकारी की हुई होती है, उस जाली को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गोरबंद। उस जाली को भी क्या कहा जाता है, उस जाली को क्या कहा जाता है, गोरबंद। जो पलानी है ये इसी गोरबंद का जो है एक भाग होता है, इसी जो पिलाण है पिलाण से संबंधित जो है एक भाग होता है। इसके बारे में अपने जो मिनी मैराथन क्लासेज हुई थी उसमें मैं गोरबंद वाला जब सवाल आया तब मैं आपको सारा पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा चुका हूं, ठीक है। चलो तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा, ऊंट, क्या हो जाएगा, ऊंट, क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। अब देखो अब आप इस चीज को समझना, इस प्रश्न को भी आप व्यवस्थित ढंग से समझना, इस ऑप्शन में मैंने दो ऑप्शन डाले हैं, ये किस लिए डाले गए, ये इसलिए डाले गए ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, अपने भी ये परीक्षा में होता है जब जिस ऑप्शन में अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं कोष्टक में और मिल जाता है, अपना दिमाग बार बार उस पर क्लिक करता है, भले वो हाँ कई बार उस क्वेश्चन का आंसर होता है लेकिन कई बार अगर उसका आंसर नहीं है तो भी अपना दिमाग रह के वहां क्लिक करता है कि अन्य यू डबल ऑप्शन में क्यों दी दो, अन्य डबल ऑप्शन में देवारों का कारण है, वो अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां मिस्टेक होती है, इसलिए ये भी जो मैंने ऑप्शन में ये जो डबल ऑप्शन दिए है वो ए इसीलिए दिया है, बोरला जो है वो शीर का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। टीकड़ा रखड़ी और गोखरू ये तीन, इनमें से कौन सा जो है वो सिर का आभूषण नहीं है, तो देखो रखड़ी सिर का आभूषण है और टीकड़ा भी सिर का आभूषण है, गोखरू जो है वो कान के आभूषण है, कान का आभूषण है, यूं इस शेप में, इस तरह से शेप में बने हुए होते हैं गोखरू, पुरुषों द्वारा ये जो है पहने जाते हैं गोखरू, महिलाओं द्वारा भी हो सकता है प्रयोग कहीं जो आभूषण है वो किया जा सकता है, लेकिन ये गोखरू जो है वो कान का आभूषण है, गोखरू जो है वो किसका आभूषण है, कान का आभूषण है, गोखरू किसका आभूषण हो गया आपने, कान का, क्लियर, ये क्लियर आपके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ देखिए बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है, बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है, सिर में, कान में, नाक में या हाथ में, सिर में, कान में, नाक में या फिर हाथों में पहना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ल्या जो है वो निम्न में से किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है, इनमें से किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है बल्ल्या, तो बल्ल्या जो है वो बल्ल्या सिर का आभूषण नहीं है, ना कान का आभूषण है, ना नाक का आभूषण है, बल्ल्या जो है वो आपके हाथ का आभूषण है, बल्ल्या जो है वो किसका आभूषण है, हाथ का आभूषण है, बल्ल्या किस में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, क्लियर, ये एकदम क्वेश्चन राइट, ये ध्यान रखना बल्ल्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, क्या सिर पे पहना जाता है, माथा और सिर एक ही है भाई, ठीक है, ये ऑप्शन में इसीलिए माथा दिया गया है ताकि
आपका माथा खराब हो, थोड़ा आप माथा और लगाए। माथा ऑप्शन में देने का मतलब माथा लगाए, सिर माथा, ठीक है, कान या फिर गर्दन का। चंपा कली जो है वो गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। चंपा कली जो है वो कहां पहने जाने वाला आभूषण है? गले में। तो ये है गले का आभूषण। किसका आभूषण है? गले का आभूषण। क्लियर? गर्दन में पहना जाना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए मादलिया देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मादलिया पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं द्वारा गले में, गले पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। मादलिया पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है। अब इसमें खूब सारे ये नीचे कमेंट भी आएंगे, जब मैं उत्तर बताऊंगा तब मैं आप लोगों को वो भी कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। मादलिया जो है वो इस में है महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। अब आप लोग ये भी कहोगे पुरुषों द्वारा भी, हाँ पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा भी पहना जाता है मादलिया, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर राइट होगा वो होगा महिलाओं द्वारा। ठीक है, अपने तो आंसर राइट करके अपना सिलेक्शन करवाना है, तो अपना सिलेक्शन किस किस से होगा इससे कि भाई इसका जो राइट आंसर क्या है वो क्लिक करेंगे, वो अपन ओएमआर शीट में भरेंगे, तब सिलेक्शन होगा। अपने उसमें सिलेक्शन नहीं होगा कि भाई इसका अपन जो है ओवरव्यू निकाले कि भाई ये कैसे राइट है, इसमें ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, वो उसमें नहीं जाए। इसके ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखकर आप इसका आंसर निकाले। महिलाओं द्वारा गले पर जो पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? मादलिया कहा जाता है। क्लियर? यहां कहीं पे भी पुरुषों द्वारा गले में ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर है वो बन जाएगा महिलाओं द्वारा गले में जो धारण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मादलिया, गले का आभूषण है। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस तरह के जो शब्द हैं वो ध्यान रखने। खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? खुगाली जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कमर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, या गले में पहना जाता है? खुगाली जो है वो आभूषण संबंधित है हाथ से, कमर से, नाक से, या फिर गले से? खुगाली आभूषण इंपोर्टेंट प्रश्न है। खुगाली जो है वो एक गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। खुगाली जो है वो कहां पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। खुगाली जो है वो कहां पहना जाता है? गले में। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। तिमणिया पहना जाता है, तिमणिया पहना जाता है। देखिए आप लोग, आभूषण टॉपिक मैंने शुरू किया तब भी आप लोगों को ये चीज बताई और अब भी बता रहा हूं कि आभूषण वाले जो टॉपिक है, आभूषण वाला जो टॉपिक है उसमें आप व्याख्या में बताऊंगा तो वहां से गले के ये आभूषण है बात वो क्यों है। इससे अच्छा अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें ताकि आभूषण से संबंधित कोई प्रश्न बनने की संभावना हो तो वो अपने गलत नहीं हो सके। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर ये क्लास है, दोनों जो क्लास है अपन चलाएंगे। ठीक है, चलो। तो तिमणिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं द्वारा गले पर, या पुरुषों द्वारा हाथ पर? तिमणिया है, तिमणिया कहां का आभूषण है? तिमणिया किस अंग का आभूषण है और किसके द्वारा धारण किया जाता है? क्या पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है या महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तो क्या महिलाओं द्वारा इसे ललाट पर पहना जाता है या गले में पहना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिलाओं द्वारा इसे कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? गले में। महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? तो गले में। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटी, ये प्रश्न पूछा गया एक बार, ये प्रश्न पूछा हुआ। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी, नौगरी, मेमद, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, जेला, झमेला, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से खूब सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो टोटी जो है क्या वो नाक का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, कटी यानी कमर का आभूषण है, या कान का आभूषण? देखो ऑप्शन किस तरह से दे दिया, कटी, तो अपने वही दिमाग में ही सीधा वही चलता है, कटी। अगर उत्तर आ जाता है दिमाग में आ जाता है भाई कटी यानी कमर होता है तो फिर नहीं तो फिर के भाई यहाँ ये, चलो इसका आंसर भी अपने को मिल जाएगा, फिर भी अपने को लगेगा कि यार ये क्या था, इसका आंसर क्या, ये तो नहीं था, ये कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा रहती है। ठीक है, लेकिन अपने इसमें इसके पीछे नहीं जाना, आपको आता है कि इसका आंसर ये है तो आपको वो आंसर क्लिक करके और ओएमआर शीट में भरना है। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है कान। टोटी जो है वो कहां पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। टोटी कहां पहनी जाती है? कान। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बुलाक, बुलाक आभूषण स्त्रियों के, स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? बुलाक, ध्यान रखें आप, बुलाक ऑप्शन में, बुलाक, बुलाक जो है वो आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग पर धारण करती है? कान में, नाक में, गर्दन में या कमर में? कान में, नाक में, गर्दन में या कमर में? देखो इस क से पहचान जाओ, क क, तो इसका जो राइट आंसर है वो नाक। बुलाक नाक, बुलाक और नाक, ठीक है, बुलाक और नाक। कहां पहना जाता है बुलाक आभूषण? नाक में पहना जाता है। बुलाक कहां पहना जाता है? नाक में। क्लियर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाएं नथ, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, धारण करती है गले में, उंगली में, अंगूठे में या नाक में? नथ का आंसर तो आप लोगों से आना चाहिए और आई थिंक आ भी गया होगा। नथ जो है वो कहां धारण की जाती है? नथ जो आभूषण है वो कहां पर धारण किया जाता है? आंसर आ गया होगा सबका। मैं मेरा भी आंसर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके नाक। नथ जो है वो कहां पहनी जाती है? नाक में। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? देखो एक तो आया था गोखरू, पिछले क्वेश्चन में आया था, पिछले एक दो क्वेश्चन पहले गोखरू आया था एक शब्द, अब आ गया है कोखरू। कोखरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? क्या कान में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है या दांत में पहना जाता है? कोखरू, गोखरू आया था अपने, गोखरू आया था, गोखरू अपने पढ़ा था, गोखरू किससे संबंधित था? कान का आभूषण था। कोखरू, गोखरू आ चुका है, ये कोखरू है। कोखरू, कोखरू आभूषण किससे संबंधित है? कोखरू आभूषण का संबंध किससे है? तो कोखरू आभूषण गोखरू और कोखरू दोनों का संबंध जो है वो एक ही चीज से है। गोखरू याद रह जाए तो कोखरू अपने आप याद रहेगा। तो गोखरू और कोखरू दोनों जो है वो किसके आभूषण है? कान के आभूषण है। किसके आभूषण है? कान के आभूषण। गोखरू और कोखरू दोनों किसके आभूषण है? तो कान के आभूषण है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेला झमेला, झेला झमेला, पीपल पत्ता, अगोट्या, किस अंग के आभूषण? ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न की विशेषता है कि ये प्रश्न जब भी पूछा जाएगा ये दो तीन साथ में पूछते हैं। झेला झमेला, ये दो तीन क्वेश्चन जो है वो साथ में पूछते हैं। झेला झमेला, पीपल पत्रा और अंगोटिया, किस अंग के आभूषण है? झेला झमेला, पीपल पत्रा और अंगोटिया, किस भाग के या किस अंग के आभूषण है? तो ये जो है क्या वो ये कान से संबंधित है, क्या गले से संबंधित है, हाथ से संबंधित है या फिर उंगली से संबंधित है, या फिर अंगुली से संबंधित है? तो झेला झमेला, झेला झेला यानी कान, तो झेला जो है, झेला झमेला ये जो है वो किसके आभूषण है? कान के आभूषण है। झेला झमेला ये किसके आभूषण है? तो ये है अपने कान के आभूषण है। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा, देखो प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। अब देखो अगर आपके दिमाग में अगर यह आया कि भाई आपने अगर नहीं पर ध्यान नहीं दिया, अगर नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो मादड़िया बड़ा ही बड़ा लिखा हुआ है या आड़ लिखा हुआ है, आड़ और मादड़िया दो लिखे हुए हैं, तो अपने दिमाग में सीधा ये आ जाता है, सीधा आड़ और सीधा जो है मादड़िया है वो आंसर इसका बन जाता है अपने दिमाग में। तो ध्यान रखना है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि नहीं है, क्या पूछा गया है? नहीं, तो नहीं से अपने को उत्तर देखना है। तो अब देखो पहले तो मैं हटा देता हूं, ठीक है, आड़ जो है वो गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। मादड़िया अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, मादड़िया पहना जाता है। तेवता ये भी गले में पहना जाता है। ओगनिया जो है वो गले का आभूषण नहीं है, ओगनिया जो है वो गले का आभूषण नहीं है। ओगनिया जो है वो किसका आभूषण है?
कान का आभूषण है। उंगलियां जो है किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। उंगलियां जो है वो किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। शीशफूल नामक, अब देखो इसके नाम से ही क्लियर हो गया आपने, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? क्या सिर पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, गर्दन पर पहना जाता है, या फिर कान में पहना जाता है? शीश, शीश का मतलब होता है शीर, शीश का मतलब होता है सिर, माथा, ठीक है, सिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने शीशफूल यानी सिर पर पहना जाने वाला, शीशफूल यानी किस पर पहना जाने वाला आभूषण? सिर पर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। मेहमद, देखो मैंने पूछा था आपको, आपको बताया भी था कि नेवरी, मेहमद और ये आपको याद रखने, तो ये मेहमद वापस आ गया। ये 2018 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, और उससे पहले एक आरपीएससी में और पूछा है, तो ये इसी सेकंड ग्रेड में ये दो बार पूछा हुआ सवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहमद अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मेहमद जो है, मेहमद आभूषण पहना जाता है क्या? सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, भुजा पर पहना जाता है, या पैरों पर? मेहमद आभूषण है सिर का, कमर का, भुजा का, या पैरों का? देखो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता देता हूं कि इसमें से सवाल आएंगे तो पैटर्न यही बनेगा। एक तो ये सिंपल सा कि निम्न में से जैसे मेहमद है वो किसका आभूषण है, एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न ये जो देखा था अपन ने कि निम्न में से कौन सा जो है आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है, दो पैटर्न। और तीसरा पैटर्न मैंने वो जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन जो आया था उसमें ये बताया गया था कि इनमें से ये गले का आभूषण है, ये सिर का आभूषण है, ये जो है वो नाक का आभूषण है, ये कान का आभूषण है, सुमेलित नहीं है कौन सा। ये तीन पैटर्न जो है, इन तीन पैटर्न से क्वेश्चन बनने की संभावना है ज्यादा रहती है, लगभग यही बनते हैं, ठीक है। तो ये इन तीन पैटर्न को आप जरूर ध्यान रखें, तीनों पैटर्न को। तो मेहमद जो है, मेहमद किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है। मेहमद जो है वो कहां पहना जाता है? सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। मेहमद जो है सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। क्लियर। चलो तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में आभूषण वाली जो क्लास है उसको सीधा फैक्ट बेस पर लाने का उद्देश्य या फैक्ट बुक बेस पर रखने का उद्देश्य यही है कि आपको जब भी क्लासरूम में भी पढ़ाया जाएगा तो यही कि भाई ये सिर के ये आभूषण, ये इसके अपने नाक के आभूषण, ये कान के आभूषण, ये कमर के आभूषण, ये गर्दन के आभूषण सीधे पढ़ाए जाएंगे। तो क्यों ना अपन इसको इस तरह से पढ़े कि ताकि अपने क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा याद हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन परीक्षाओं में राइट कर सके। इसमें से अगर क्वेश्चन सीधा आता है तो सब राइट कर देते हैं, और थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग क्वेश्चन राइट करने की जो संभावना है वो मात्र 10-5% रह जाती है, जिन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित और क्वेश्चन बेस पर इसको अगर पढ़ा है तो उसके राइट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अपन उसी पैटर्न को लेंगे, क्वेश्चन बेस जो पैटर्न है उसी को लेके और अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये था पहला भाग, दूसरा भाग भी अपन कल लेकर आएंगे क्लासों में, अपनी जो अगली जो क्लास होगी उसमें, और आपके आभूषण से संबंधित जो संभावित क्वेश्चन है या जो बने हुए क्वेश्चन है उन दोनों का मिक्स करके आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनने की संभावना बनेगी उन सारे क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करवाया जाएगा। तो अगली क्लास के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो अपना ज्वाइन कर लें, उसमें आपको गौरव सर की, मेरी और नरसा की, रामदिवा जी की, जितनी भी जो भी क्लास है हमारी सब जो आती है उसकी पूर्व जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।